राम के प्रणाम कीजिए। राम सीता राम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। श्री राम की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुकून जरूर मिलता है। इसी को लेकर हम अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या से आपको हर पल पल की अपडेट बता रहे हैं। अयोध्या में क्या तैयारियां चल रही हैं, अयोध्या पूरी राममय में डूबी हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर आज हमारे साथ हैं रासिक पीठाधीश्वर महाराज जी। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो अयोध्या का माहौल है, सबसे ज्यादा लोग को ये भी सवाल आ रहे हैं कि अयोध्या कितनी बहुत ज्यादा बदी हुई नजर आ रही है और इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं। तपोभूमि है, साधना आराधना की भूमि है। श्री राम जी जहां अवतरित हुए हैं वो भूमि अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज उसकी महत्वता 500 वर्षों के बाद जो परिकल्पनाएं थी सभी साकार होती जा रही है। जो महापुरुषों का संकल्प था वो पूरा होता जा रहा है। इसलिए ये जीवन की उत्कृष्टता है कि हम उस क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। हम सब की 500 वर्षों का संघर्ष आज उसका पटाक्षेप होने जा रहा है। 22 जनवरी को श्री राम लला जी अपने मूल श्री राम जन्मभूमि स्थान पर जहां भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म तो भगवान अनंत है और अनंत जन्म है, लेकिन इस काल में त्रेता में श्री राम अवतार जो हुआ उस अवतार वाली पावन भूमि पर श्री राम लला जी विराजमान होने जा रहे हैं और उसका हम सब साक्षी बन रहे हैं। ये अपने आप में जीवन का जो है उत्कृष्ट उपलब्धि है और जीवन ही धन्य है। इसलिए ऐसे सुअवसर का बाट मानव नहीं देवता लोग भी जो रहे थे, देवता लोग भी आशान्वित थे कि कब ये क्षण आवे। आज जन जन और कन कन सब हर्षोल्लासित है कि हम लोग सजाने संवारने में कोई कसर न रखे अयोध्या को। अयोध्या तो देव भूमि है जहाँ भगवान श्री राम जी भूमंडल में जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों में मस्तक अयोध्या है। अब अयोध्या पुरी मस्तके अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। अयोध्या पुरी मस्तके जो कहा गया पूरी भूमंडल के समग्र तीर्थों में अयोध्या मस्तक है। इसलिए आज वो क्षण हमको प्रतीत हो रहा है जिस समय राम जी के राज्याभिषेक हुआ अथवा जिस समय भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। उस दिन महाराजा चक्रवर्ती दशरथ जी श्री राम जी के पिताजी ने खजांची को आदेश दे दिया, खजाना खोल दिया जाए। सर्वस दान दीन सब काहु जे पावा राखा नहीं ताऊ। क्या क्या दान दिए? सभी मृग मद चंदन कुमकुम की चा मची सकल बीथिन बीच बीचा। दान क्या दिए? कहे गजरथ तुरग हेम गो हीरा दीनेन्द्र पे नाना विधि चीरा। हाथी घोड़ा वस्त्र आभूषण अंबर पट अंबर इत्यादि वितरण कराया जा रहा था और जो जिस मनोकामना से आया वो समग्र मनोकामनाओं का प्रतिपादन अयोध्या के कोष से दान स्वरूप में हुआ। सर्वस दान दीन सब काऊ यही पावा राखा नहीं ताऊ। वही जगह जगह कथा के रूप में, यज्ञ यज्ञादि के रूप में, अनुष्ठान हवन के रूप में अपना जीवन का व्यक्तित्व और कृतित्व सब लुटा रहे हैं और ये महामहोत्सव के रूप में श्री राम लला जी विराजमान होने जा रहे हैं। इसकी सब बाट जो रहे हैं। प्रथमई देवन गिरी गुहा राखेव रुचिर बनाई
राम कृपा निधि कछ दिन बास करेंगे आई, भगवान यहाँ आकर निवास करेंगे, स्थायित्व जगह लेकर बास करेंगे। इसलिए सब अपने अपने प्रांगणों को, मंदिरों को और आवासों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, सभी देव स्वरूप में हैं, क्योंकि भगवान तो सबके हैं, किसी भी वर्ण और वर्ग से भगवान श्री राम जी अलग नहीं हो सकते, सनातन धर्म अलग नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म समुद्र है। समुद्र का अभिप्राय है कि समुद्र से ही सारी नदियां निकली हैं, वो गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, सरयू, नर्मदा के रूप में विभिन्न नदियों के नाम जितना आप ले सकें उतना ले, वो सभी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन समुद्र में विलय होने के बाद ना कोई गंगा है, ना यमुना है, ना कावेरी है, ना गोदावरी है, सब पुनः समुद्र है, निकली समुद्र से है और सारी नदियां फिर समुद्र में समाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार से पूरे विश्व, पूरी सृष्टि श्री राम जी से निकली है और श्री राम जी में ही सब लास्ट में समाहित हो जाती हैं। इसलिए श्री राम जी को समुद्र के साथ उपमा दिया गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। समग्र लोकों को भगवान श्री राम जी ने विश्राम दिया है, शांति दिया है, सुख सुखानुभूति कराया है। इसलिए भगवान श्री राम जी से कोई भी प्राणी, कोई भी जड़ चैतन्य अलग नहीं हो सकता है। भाषा में अनभिज्ञता के कारण कोई भी आए माए साए बोल दे वो बात अलग है, लेकिन कोई भी श्री राम जी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि श्री राम जी से अलग होने का अभिप्राय ये जीवन से ही सब अपने आप को विनष्ट कर देना है। श्री राम जी से अलग होने के बाद कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और भगवान जिसको नहीं चाहेंगे वो कभी धरा में या त्रैलोक में, चौदह लोकों में कोई नहीं रह सकता। भृगुट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। भगवान के भृगुटी टेढ़ी कर देने मात्र से पूरी सृष्टि में प्रलय हो सकती है, ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तो भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं, इसलिए सभी लोग इस क्षण का आनंद लें और साक्षी बने। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी हैं सभी को मैं मंगल कामना शुभकामना दे रहा हूं, और जितने दर्शक जन हैं नर नारी सभी भाई बहन उस सबको मंगल कामना साधुवाद शुभकामना देते हुए आगे के सत्र में जुड़े। ये रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ है जो अवध धाम के हृदय भाग है। इस हृदय भाग में आप जहां पर हैं ये सिद्ध स्थान है, श्री महारानी श्री सीताराम जी की युगल उपासना के मूल आचार्य गद्दी रसिक उपासना की है। श्री रामानंद संप्रदाय में ये मूल आचार्य पीठ है। यहां आकर के या आने वाले जितने भी प्राणी हैं वो अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं तो उनकी मनोकामना का प्रतिपादन होता है, होता रहेगा। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम।